हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 1500 सीरीज़ का पार्ट 66। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 है, तो जो भी आपका स्कोर रहे 15 आउट ऑफ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्जा के तुल्य होता है, यह कथन है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इट इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रिस्टर्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका एयरफोर्स का हो या नेवी का हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है टॉप 1500 सीरीज। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। वैसे एक्चुअली में होती कितनी है, 3900 से लेके 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे, सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, उपरोक्त सभी। बात करें इंग्लिश में, विच रेडिएशन इन सनलाइट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रारेड, बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, अवरक्त। डिस्कस करें आगे, निम्न में से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंफ्रारेड वेवलेंथ। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई भी और सॉल्यूशन नहीं है। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 10^-4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कौन सी कोटि नेत्र के प्रति संवेदनशील है। बात करें इंग्लिश में, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 6×10^-7 मीटर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, कॉस्मिक किरण है, गामा किरण है,
बीटा किरण है, एक्स किरण है। बात करें इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। ये क्वेश्चन आपसे डिक्टो एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था, तो आगे भी पूरे चांस हैं डिक्टो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो बीटा रेज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, यदि ई एम बी क्रमशः विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश को व्यक्त करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा निम्न में से किसकी दिशा में होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, इफ ई एंड बी आर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ ई एम वेव, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ई एम वेव इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, सॉरी सी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, विद्युत चुंबकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सबने इसका भी राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिस्कस करें आगे, एक इलेक्ट्रॉन को 1000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, तो इसका लगभग है वेग लगभग है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट्स, इट्स वेलोसिटी इज नियरली, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, v इक्वल्स टू रूट में 2EV अपॉन में m। क्या होता है रूट में 2EV अपॉन में m, ये फॉर्मूला कहाँ से निकला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ईवी, क्योंकि ये फॉर्मूला भी काइनेटिक एनर्जी का है और ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी का है। तो देखिए हम यहाँ से वी स्क्वायर निकालेंगे तो 2 जाएगा ऊपर, m आएगा नीचे, और जब वी स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ जाके अंडर रूट में आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वी इक्वल्स टू रूट में 2EV अपॉन में m। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, e की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹, m की वैल्यू क्या होती है 9.1 × 10⁻³¹, और v की आपको वेलोसिटी दे रखी है, सॉरी वोल्ट आपको दे रखे हैं 1000 वोल्ट। तो आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका वेलोसिटी निकल के आएगा 1.9 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने ई और एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की क्यों ही ली है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसलिए हम ई की वैल्यू और मास हम इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस करें आगे, एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पर त्वरित करने पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। बात करें इंग्लिश में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए।
तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू क्यू डॉट बी। क्या होता है क्यू डॉट बी, आपको यहाँ क्यू कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, आपको देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और वी की वैल्यू आपको दे रखी है 100 वोल्ट इंटू 100। तो यहाँ पर माइनस 19 है, यहाँ है 100, तो क्या बचेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस करें आगे, जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभांतर से त्वरित किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, व्हेन अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड विद अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। जो आपको क्वेश्चन कराया है ऊपर, उसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, के इक्वल्स टू क्यू डॉट बी, चार्ज कितना है 1e, इंटू वोल्ट कितना है 1 वोल्ट है, नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 1 eV। डिस्कस करें आगे, जब कैथोड किरणें एक धातु की प्लेट से टकराती हैं तो वह गर्म हो जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बात करें इंग्लिश में, अ मेटल प्लेट गेट्स हीटेड व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अगेंस्ट इट इज ड्यू टू। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, वीडियो पॉज करिए और उसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सबने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ये किसके कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैथोड रेज, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। बात करें हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा के कारण, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, आज की वीडियो काफ़ी छोटी है क्योंकि आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम थे, सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इसलिए काफ़ी इजी में कम समय में आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।